जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा तो आज हम आपको वीडियो में बताएंगे, पहली दफ़ा वीडियो बना रहा हूँ, कोई मजाक नहीं उड़ाएगा तो पहली बात। दूसरी बात ये आज वीडियो में हम बताएंगे कि आपने गाड़ी अगर ड्रॉप तो चलो ठीक है आप कर लेते हो, कोयल ओवर्स पे, स्प्रिंग्स पे, हर चीज़ पे हो जाती है, लेकिन जब कैम्बर की बारी आती है ना तो कैम्बर में लोग कन्फ्यूज़ होते हैं कि इसकी टोयोटा की जो होती है किट्स आती हैं नहीं आती। तो इसकी यार मेन कैम्बर किट्स कोई भी नहीं आती, तो इनको हम देसी कैम्बर कहते हैं। देसी कैम्बर होता कैसे अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये देखो ये इसकी हब होती है ना। अब इस हब के पीछे आप देखो ये आपको नट नज़र आ रहे हैं, एक दो इसी तरह दो नीचे होते हैं, चार नट होते हैं ठीक है। ये चार नट टोटल इस हब के पीछे लगे होते हैं, तो जो नीचे वाले दो नट है ना उनके अंदर वॉशल्स आ जाती हैं। वॉशल्स अब आपको समझ आएगी होगी, मतलब जैसे ये है ना इस तरह करके वॉशल्स होती हैं प्लेन, मतलब ये तो नट है ना, ये सिंपल सीधी प्लेन वॉशल्स होती हैं जो इनके पीछे आ जाती हैं, जिसकी वजह से ये हब थोड़ी सी ऐसे नीचे से उठ जाती है। मतलब आपकी जो गाड़ी का टायर है वो थोड़ा सा जब लगेगा, पहले सीधा लगा होता है थोड़ा सा ऐसे हो जाता है, तो उसका फ़ायदा ही हो जाता है। कुछ लोग तो वैसे दिखाने के लिए कैम्बर करते हैं, कुछ का रोला ये होता है कि जब गाड़ी डाउन करते हो तो टायर फेंडर के साथ टच कर रहा होता है, तो उससे आपका टायर जो फेंडर के साथ टच नहीं करता। तो ये जो मैंने आपको वॉशल्स बताई थी ये होती हैं वॉशल्स ठीक है, इस तरह कुछ टाइप की अगर आपको नज़र आए तो ये सब के पीछे ना लग जाती हैं, जैसा ये है ना। अब कुछ दो लगवाते हैं, कुछ चार लगाते हैं, ये डिपेंड करता है कि आपने जितनी कैम्बर करनी है उस हिसाब से वॉशल्स लग जाती हैं बीच में।